चालू मिलेगा तो पेट भी पूरी मिलेगी चरा रही ये सर आलू की सब्जी है। अच्छा थोड़ी सी काली है सर अपनी छोले की सब्जी है छोले की ये अपना सर मरतू है सीताफल की सब्जी पूरी के साथ उपराधी हमारे भाई चेयरमैन है ये अपनी सर मेथी की चटनी है। अच्छा और हमारे सारे हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल हर्षित शर्मा लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी जो है बहुत अच्छे से इंजॉय की होगी क्योंकि ये वीडियो जो है जन्माष्टमी के बाद आने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जन्माष्टमी का मेला। और फ्रेंड्स जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है यहाँ का एंट्रेंस और फ्रेंड्स ये मेला जो है वो शालीमार बाग में है, शालीमार बाग क्लब रोड पर जो रामलीला ग्राउंड है शालीमार बाग का वहीं पर ये मेला लगा हुआ है जन्माष्टमी का मेला। तो इस ईयर तो आपका मिस हो गया, अगर आप नेक्स्ट ईयर आना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन आप मेला घूमना चाहते हैं इंजॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली और अपने लव्ड वन के साथ तो मेला जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर फूड के साथ साथ आपको बहुत ही सारे झूले बहुत ही सारी राइड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और देखिए जैसे ही आपको यहाँ से मेन गेट से एंटर करते हैं आप गाड़ी आराम से ला सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग की काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है। और वैसे भी फ्रेंड्स जो इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ 9 बज रहे हैं और 9 बजे भी आप देखिए पार्किंग में स्पेस काफ़ी है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं मेले में है और पार्किंग की भी फैसिलिटी है तो आप आराम से अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। और फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरी डिटेल्स डाल दूंगा, आप चेक कीजिएगा। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं मैं सारा सब कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और देखिए मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हूँ और वीडियो शूट करने आया हूँ, स्पेशली आपको दिखाने के लिए आया हूँ कि मेले में क्या धूम होने वाली है, क्या मज़ा होने वाला है मेले में। और आप देख रहे हैं क्या बड़ी बड़ी जो है राइड्स लगी हुई है यहाँ पर स्क्रीन पे, मैं आपको सारा दिखाने वाला हूँ। खाने की बात करने वाले हैं, देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं BTW बिट्टू टिक्की वाला, इसका कैटरिंग है यहाँ पर, इसका फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको सारी वैरायटी मिल जाती है, बिट्टू टिक्की की चाट आपको मिल जाती है, बिट्टू टिक्की का काठी कबाब रुमाली रोटी आपको मिल जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर चाइनीज़ से लेकर के नॉर्थ इंडियन चाट कॉर्नर सब कुछ है। और देखिए जैसे बात करी थी हमने काठी कबाब रुमाली रोटी की, स्क्रीन पर आ गया है आप देख सकते हैं बिट्टू टिक्की वाले का ये पूरा स्टॉल है यहाँ पर, पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से लाइव यहाँ पर रुमाली रोटी बनाई जा रही है, बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले से बनी हुई है और गर्म करके दे रहे हैं, बिल्कुल बना के दे रहे हैं यहाँ पर लाइव जो है, पूरा काउंटर लगा हुआ है चाट का और काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगी हुई है यहाँ पर BTW वाले की। पिज़्ज़ा देखिए, पिज़्ज़ा अगर आप खाना चाहते हैं, बच्चे अक्सर बहुत पसंद करते हैं तो आपको यहाँ BTW की कैटरिंग में पिज़्ज़ा भी मिल जाता है। और बहुत लोगों की फेवरेट होती है पाव भाजी, तो देखिए पाव भाजी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, मस्त बिल्कुल देसी स्टाइल में मक्खन मार के एकदम पाव भाजी यहाँ पर मिल रही है और बहुत से लोग पाव भाजी इंजॉय कर रहे हैं थे यहाँ पर। और साथ ही में देखिए फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ आपको नीति जूस वाला जो कि QU ब्लॉक में है, पीतमपुरा QU ब्लॉक में, उसका ही स्टॉल है यहाँ पर। और नीति जूस वाला बहुत फेमस है रामलीला में, रामलीला में अपने शेक्स और अपने मॉकटेल्स के लिए जन्माष्टमी मेले में भी आपको मिल जाएगा। चालू मिलेगा तो पेट भी पूरी मिलेगी चरा रही ये सर आलू की सब्जी है। अच्छा थोड़ी सी काली है सर अपनी छोले की सब्जी है छोले की ये अपना सर मरतू है सीताफल की सब्जी पूरी के साथ उपराधी हमारे भाई चेयरमैन है ये अपनी सर मेथी की चटनी। अच्छा
और हमारे सारे अभी हमारी जो टीम वो भी आए हैं। सो फ्रेंड्स, साथ ही में हम वैरायटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको पास्ताज मिल जाते हैं, वाइट सॉस, रेड सॉस, मिक्स सॉस पास्ताज आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी वैरायटी है। और पास्ता के साथ ही देखिए बिल्कुल बगल में ठीक आपको यहाँ साउथ इंडियन कॉर्नर मिल जाता है, जहाँ पर आप डोसाज ले सकते हैं। और प्राइजेज जो हैं वो काफ़ी जेन्युइन हैं, जैसे जो प्राइजेज नॉर्मल होते हैं वही प्राइजेज हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइव जो है डोसा की यहाँ पर मेकिंग हो रही है, तो आपको गर्मा गर्म डोसा आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये सब भी आपको मिल जाता है। ये पूरा जो है यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है BTW के ठीक बराबर में, और सामने से आप ये कूपन्स ले सकते हैं, कूपन्स लेके और आप जो है आराम से अपना मनपसंद खाना ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ ना, तो साफ़ सफाई बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ। मेला जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, गंदगी कहीं भी नहीं थी। और अब देखिए स्क्रीन पे आ गए हैं हम सबके फेवरेट जो हमारे झूले होते हैं, हमारे मेले के झूले, राइड्स। तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पर काफ़ी सारी लगी हुई हैं राइड्स, 8-10 राइड्स हैं, और बड़े से लेकर के छोटे बच्चों के लिए, सब एज ग्रुप के लिए यहाँ पर राइड्स हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ तो राइड ज़रूर इन्जॉय कीजिए, बिकॉज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर राइड्स लगी हुई हैं। और देखिए जहाँ अभी रुचिका खड़ी हुई है, ये जो पूरा है इन्होंने पंडाल जो बनाया हुआ है, स्टेज बनाया हुआ है पूरा, और यहाँ पर जो है इनके इवेंट्स हो रहे हैं, इनका फंक्शन हो रहा है, और जो एसोसिएशन के जो लोग हैं वो सब मौजूद हैं। और ठीक सामने आपको ये झूले मिल जाते हैं, आपको ये पूरे राइड्स मिल जाते हैं। एक तरफ बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए राइड्स लगे हुए हैं, या एक तरह से आप कह लें बड़े बच्चों के लिए, और एक तरफ जो है छोटे बच्चों के राइड्स लगे हुए हैं। स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कार्यक्रम इनका काफ़ी कुछ चल रहा है, जन्माष्टमी से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं, डांस कंपटीशन चल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है और भी छोटे छोटे काफ़ी कुछ इवेंट्स चल रहे हैं, बच्चों को प्राइज मिल रहा है, तो ये भी आप यहाँ पर बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और जो है इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग जो है यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर रहे थे। और फ्रेंड्स हर साल यहाँ पर जन्माष्टमी मेला लगता है, तो आप ज़रूर आइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ का एड्रेस डाल रहा हूँ, शालीमार बाग में है ये, क्लब रोड के, क्लब रोड पे सिचुएटेड है, शालीमार बाग क्लब के ठीक बराबर में, इसको रामलीला ग्राउंड भी कहते हैं। यहीं पर आप आइएगा, यहाँ पर जन्माष्टमी मेला होता है, और काफ़ी यहाँ पर जो है आप इंजॉय करेंगे। साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैं आ गया हूँ ये गेम्स वाले एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पर आप मेले के जो खेल होते हैं वो, कि आप रिंग डाल सकते हैं या निशाना लगा सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो ये कंप्लीट एक अपने आप में मेला है, जहाँ पर फूड भी है, राइड्स भी हैं, गेम्स भी हैं, और सब कुछ है। सो गाइज़, कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज़, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल।